आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन फ्राई। ये बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर के अंदर 250 ग्राम बोनलेस मटन डाल ले। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डाल ले। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल ले। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल ले। 1/2 ग्लास पानी डाल ले और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दे। एक विजिल आने तक इसे हाई फ्लेम पर पका ले और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका ले। पंद्रह मिनट के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन निकालकर इसका पानी हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे। जब इसके अंदर का सारा पानी सूख जाए, हम दूसरे पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्च और करी पत्ता डाल लेंगे। ढक्कन लगाकर फ्राई करें। जब हरी मिर्च और करी पत्ता फ्राई हो जाए, हम इसके अंदर मटन डाल लेंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। हमें मटन का रंग गोल्डन ब्राउन होने तक मटन को फ्राई करना है। ये देखिए, हमारा मटन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए पकाकर इसके अंदर थोड़ी सी कोथमीर डाल लेंगे। हमारी मटन फ्राई की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इस मटन फ्राई को खट्टी दाल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।